अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 5 मरला का घर है और इस घर की लोकेशन DHA फेस 9 है और इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, बहुत खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। मॉडर्न डिजाइन में ये घर बनाया गया है और अगर हम इसके फ्लोर प्लान की बात करें तो इसमें टोटल 3 बेडरूम है। 1 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और 2 बेडरूम इसके अपर पोर्शन में है। ये बहुत खूबसूरत घर है और इस साइड पे इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड है और राइट साइड पे इस घर का मेन गेट है जो कि ब्लैक कलर में है, रॉ आयरन में। और ये है जी इसका रैंप। रैंप के ऊपर आपको 2x2 की टाइल मिलेगी। ये जो टाइल आप देख रहे हैं ये इम्पोर्टेड टाइल्स हैं और इसके जो एलिवेशन में और इसके गैरेज में जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल ग्रूव्स आप देख रहे हैं, ये सारी इम्पोर्टेड टाइल्स हैं वो इसमें यूज़ की गई हैं। नीचे आपके पास 2 प्लांटर्स आपको मिलेंगे और राइट साइड पर इसकी जो बाउंड्री वॉल है उसमें सिंथेटिक ग्रास जो है उसका यूज़ मिलेगा। इस साइड पर इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें आपका वाटर इंस्टॉलेशन जो है वो रेडी है। इस साइड पे जी है ग्रेनाइट का यूज़। स्टेप अप करेंगे तो सामने इस घर का टीवी लाउंज एरिया है और घर में जैसे ही एंटर होंगे तो सामने आपको इस घर का टीवी लाउंज एरिया वेलकम करेगा। सामने आपके पास टीवी लाउंज एरिया की मीडिया वॉल है जिसमें टाइल और वुडन जो है उसका यूज़ है। CCTV कैमराज अकॉर्डिंग टू DHA बायलाज इसमें इंस्टॉल किए गए हैं और वुडन में देखें तो ये कंप्लीट रैक बने हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और आप अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इस साइड पे आपको एक्सेस मिलेगी इसके अपर पोर्शन की और ये जो स्टेयर केस देख रहे हैं इसमें आपको स्टील और इस साइड पे ग्लास का यूज़ मिलेगा और स्टेयर्स के ऊपर सारा कम्प्लीटली आपको ग्रेनाइट मिलेगा। ये जो डोर है, डोर की क्वालिटी अच्छी है, इसमें ग्लास और वुड का आपको सारा यूज़ मिलेगा इसके डोर में। इस साइड पे इस घर का ड्राइंग स्पेस है और ये सामने पेंटिंग है, 2 लैंप्स और क्लासिकल मोल्डिंग्स के साथ ये इस घर को बनाया गया। यू कैन सी ये सारी क्लासिकल मोल्डिंग है, वाइट पेंट है इसमें और सामने इसकी ड्राइंग स्पेस है और एक लार्ज साइज की आपके पास विंडो है जिसको आप इनर कोर्ट यार्ड और इसके बाहर का व्यू भी यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं। सामने आपके पास एक पेंटिंग है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है और घर में एंट्री पे राइट साइड पे आपका पाउडर रूम है जिसमें एक वैनिटी और एक वॉल हैंग का मोड आपको मिलेगा। यू कैन सी इसमें भी जो टाइल यूज़ की गई है ये इम्पोर्टेड टाइल ही यूज़ की गई है इस 5 मरला में। ये एक बजट हाउस है, एक कम पैसों में एक अच्छी चीज़ें आपको इस घर में मिलेंगी जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस साइड पे जी ये आपका किचन है और यू कैन सी किचन की यूवी शीट्स का कलर बहुत अच्छा रखा गया और किचन में भी सारी टाइल वर्क ही आपको इसकी बैक साइड में मिलेगा। यूजुअली टाइल जो है वो किचन में यूज़ नहीं होती। सामने आपके पास डिश वॉशर एरिया है, इस साइड पे आपका स्टोव है और ऊपर आपके पास एग्जॉस्ट है। ये आपके पास इसमें रैक बने हुए हैं इसकी किचन में और यू कैन सी ये सारी यूवी शीट्स हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। वेंटिलेशन के लिए आपके पास विंडो है और DHA के बायलास के अकॉर्डिंग किचन से एक्सेस है आपकी बाहर वाली साइड की तरफ भी। इसका जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर 2x6 की टाइल यूज़ है जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट बनाती है और इस साइड पे ये जो पेंट है ये भी एक अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है। सामने इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जैसे एंटर होंगे तो इस साइड पे इसकी फीचर्ड वॉल और फीचर्ड वॉल में जो पैडिंग की गई है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत कलर जो है इसकी पैडिंग में रखा गया है। 2 आपके पास हैंगिंग लैंप्स हैं, यू कैन सी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर इसके पास LED लाइट इसके फ्लोर में यूज़ है और एक फैन जो है इसके इंस्टॉल्ड है। 2x6 की इसके बेडरूम में भी टाइल यूज़ है और इस साइड पर आपको मिलेगी एक खूबसूरत पेंटिंग। इसका क्लॉजेट एरिया जो है वो इसके वॉशरूम में, इसका वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है। यू कैन सी आपके पास कोरियन में इसकी वैनिटी है और इस उसके ऊपर जो मिरर है उसका आप साइज़ देखें और टाइल वर्क देखें। ऊपर 2 हैंगिंग लैंप्स हैं और स्मार्ट मिरर है और इस साइड पे आपका ये वैनिटी सेटअप है और इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये आपके पास इसमें डिफरेंट रैक बनाए गए। राइट साइड पे आपका क्लॉजेट एरिया है, यू कैन सी ये आप अपनी सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं और इस साइड पे आप इसमें हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर है जी इसका वॉशरूम में ये आपके पास वॉल हैंग कमोड है और ये टाइल्स है जिसमें हॉरिजेंटल ग्रूव्स हैं इन टाइल्स में और ऊपर आपका रेन शावर कैबिन और इसमें भी आप देखें कि क्या खूबसूरत उसमें स्ट्रिप लाइट इसके रूम में भी यूज की गई है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो मैं अब आपको लेकर जाऊंगा इस घर के अपर पोर्शन की तरफ विच इज क्वाइट
ब्यूटीफुल, और दो बेडरूम ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप है इसके अपर पोर्शन का भी। और मैं यहाँ से आपको इसके रूफ का भी टूर करवाऊंगा, रूफ भी इसका दिखा दूंगा, क्योंकि मल्टीपल सिटिंग एरिया है आपके पास रूम में भी, और वहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। सामने आपके पास सिंकिन एरिया है, और ये एग्जॉस्ट सिस्टम भी है DHA के नए बायलाज के अकॉर्डिंग कि आप यहाँ से विंडो ओपन करें और अपनी वेंटिलेशन के लिए आपको किसी भी एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से एग्जॉस्ट स्काई व्यू ले सकते हैं, ऊपर से स्काई लाइट है, और इसमें भी आप देखेंगे टाइल और सिंथेटिक ग्रास जो है उसका यूज मिलेगा। ये इसका टीवी लाउंज है जिसमें टाइल और आपके पास वुडन का सारा काम मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये है जी इसका एक बेडरूम। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए आपके पास दो विंडो इंस्टॉल हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और इस साइड पे आपके पास पेंटिंग है। ऊपर इसके रूफ में देखेंगे आपको स्ट्रिप लाइट मिलेगी, और एक फैन है, दो हैंगिंग लैंप्स है, और इसकी भी पैडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की गई है, बहुत अच्छा थीम रखा गया है जिसमें ग्लास यूज आपको मिलेगा। ये सारा ग्लास है और ये वुडन का काम है, और इस साइड पे ये शीट है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका ये फीचर्ड वॉल। यू कैन सी सामने इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में एंटर होने से पहले आपको टाइल वर्क मिलेगा, फ्लोटिंग वैनिटी मिलेगी, एक राउंड शेप में आपको स्मार्ट मिरर मिलेगा, और इस साइड पे आपका शावर कैबिन है, और यू कैन सी, और वेंटिलेशन के लिए आपके वॉशरूम में विंडो, वॉल हैंग कमोड, और ये आपका जी है सारा क्लोजेट एरिया। नीचे भी बड़ी खूबसूरत टाइल जो है इसके फ्लोर पर भी लगाएगी। यहां से मैं लेकर जाऊंगा इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, और जो कि इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है। इसकी भी आप पैडिंग देखें, क्या खूबसूरत पैडिंग की गई है, जिसमें आपको ग्लास वर्क मिलेगा, क्लासिकल मोल्डिंग्स है, और ये जो इसकी पैडिंग का स्टाइल है ये बहुत खूबसूरत है। दो हैंगिंग लैंप्स हैं आपके पास दोनों साइड्स पे। सामने आपके पास वेंटिलेशन के लिए एक लार्ज साइज की विंडो है, और टेरेस का व्यू आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके साथ ये आपके पास वॉशरूम है। वॉशरूम में एंटर जैसे ही होंगे तो सामने आपके पास वैनिटी सेटअप है, इस साइड पे आपका वॉल हैंग कमोड है, और ये जो टाइल वर्क है ये बहुत खूबसूरत रखा गया है। इस साइड पे आपका शावर कैबिन, और ये आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो, और यू कैन सी दिस इज अ क्लोजेट एरिया फॉर यू। यहाँ से मैं ले जाऊंगा आपको इस घर के अपर पोर्च, इसके रूफ की तरफ। रूफ में भी आपके पास मल्टीपल सिटिंग एरियाज हैं, और ये जो स्टेयर्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस के यहाँ पे आपको सारा ग्रेनाइट का यूज है। ये आपके पास स्टोर है, आप इसको एज अ स्टोर भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो ममटी है इसमें काफी खुली स्पेस है आपके पास, यू कैन सी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और ये है जी इसका रूफ। रूफ में देखें कि सिंथेटिक ग्रास का इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे आप मल्टीपल सिटिंग्स बना के अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बैठ सकते हैं। ये बैक साइड पे आपको वाटर टैंक, और यहाँ पर आपके पास सारी सिंथेटिक ग्रास, और ये ग्राउंड शेप में आपको एक जगह दे देगी जिसके ऊपर आप चेयर्स लगा सकते हैं, और ये आपको सारा टाइल वर्क मिलेगा। इस घर की डिमांड जो है वो 2.9 करोड़ है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी प्राइस जो है उसके अपडेट के सिलसिले में मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अगर आप ये घर बाय करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।